वजह से हम लोग काफ़ी परेशान हैं, इस वजह से हम लोगों ने मुख्यमंत्री को ज्ञापन सौंपा है। जितने भी कोयले खदाने हैं उनके अगल बगल भट्ठे खोल रहे हैं, उनको पता है कि लोकल गांव वालों और पुलिस की सहायता से कोयला उनको मिल जाता है। अगर आप 1 किलो कोयला ले लेंगे अभी तो 4 पुलिस वाले भट्ठे पहुँच जाएंगे। एक तो लोहा चिमनी चला रहे हैं उन लोग जो सुप्रीम कोर्ट का आदेश का अवहेलना करता है। और बहुत खास खास जगह है, उस जगह को तो सारे लोग जानते हैं, सारे भट्ठे वाले भी जानते हैं। सरगुजा संभाग का कोयला हमेशा से भारत के अन्य राज्यों में कहिए या अन्य जगहों पे कहिए, हमेशा से एक लुभावने कारण कहिए या फिर इसकी जो गुणवत्ता है उसके लिए प्रसिद्ध रहा है। यहाँ पे जो अच्छे कोयले मिलते हैं, नंबर वन कोयले मिलते हैं, हमेशा से लोगों की इसको खरीदने की मांग रहती है। लेकिन पिछले कुछ दिनों से जो गड़बड़ी हो रही है उस वजह से काफ़ी लोगों को दिक्कत हो रहा है, ख़ासकर उन लोगों को जो कि ईंट से संबंधित व्यापार करते हैं या व्यवसाय करते हैं। और कारण ये है कि पिछले कुछ दिनों से इनको जो नंबर वन कोयला होता है वो उन्हें नहीं मिल पा रहा है, और अगर मिल भी रहा है तो उसके रेट काफ़ी हाई हो रहे हैं। और वो रेट काफ़ी हाई क्यों हो रहे हैं, इस सबके लिए आज हमारे साथ हैं सरगुजा ईंट संघ के जो सचिव हैं, हम उनसे बात करेंगे और जानेंगे कि आखिर क्या कारण है और कहाँ कहाँ ये एप्लीकेशन दिए हैं उसको लेके। हेलो सर, क्या नाम है आपका? मेरा नाम विभूति शुक्ला है, मैं सरगुजा ईंट निर्माता संघ का सचिव हूँ जी। और मैं आपके चैनल के माध्यम से इस बात को गंभीरता से उठाना चाहता हूँ भैया जी, कि हम लोग का जो कोयला है जी, वो जो 3,000-3,500 रुपये टन मिलता था, जो 9,500-10,000 रुपये टन है। कितने दिन हो गए इस रेट को बढ़े हुए? ये साल भर से ही रेट है। तो आखिर इसका मुख्य कारण क्या है, क्या लगता है आपको? मेरे को ऐसा लगता है कि या तो SSCL काम नहीं कर रहा है भैया, SSCL की जो खदानें हैं या तो बंद हैं, प्रोडक्शन नहीं हो पा रहा है। जब उन लोग प्रोडक्शन करने के लिए नहीं है क्षमता तो सिलेंडर कर दें भैया, हम इतना महंगा कोयला कैसे खरीदेंगे? 10,000 रुपये टन अगर हम कोयला खरीदेंगे तो हम ग्राहक को ईंट क्या रेट, किस रेट में बेचेंगे? 12,000 रुपये ट्रिप। तो मान लीजिए अगर कुछ जगहों से ईंट मिल रही है तो क्यों मिल रही है और कम रेट पे क्यों मिल रही है, कि वहाँ पे किस तरह से ईंट का मतलब प्रोडक्शन हो रहा है? भैया देखिए, लोग इस बात को समझ गए हैं। हाँ। हम लोग इंतज़ार करते हैं कि कोयला सस्ता होगा, सस्ता होगा, सस्ता होगा। अब लोग क्या कर रहे हैं, जितने भी कोयले खदाने हैं उनके अगल बगल भट्ठे खोल रहे हैं, उनको पता है कि लोकल गाँव वालों और पुलिस की सहायता से कोयला उनको मिल जाता है। मैं SP साहब के पास गया था तो SP साहब बोलते हैं कि कोयला पुलिस का नहीं है, वो माइनिंग का है। इसी बात का फायदा उठाती है लोग उठाते हैं। तो क्योंकि मतलब प्रशासन का कोई रोल नहीं है कोयले में, आप ये कहना चाह रहे हैं? सोचिए ना, इस बात को बोलते हैं कि कोयले में पुलिस का कोई रोल नहीं है। अगर आप 1 किलो कोयला ले लेंगे अभी तो 4 पुलिस वाले भट्ठे पहुंच जाएंगे। तो फिर ये मतलब डबल स्टैंडर्ड का स्टेटमेंट क्यों दे रहे हैं वो? भैया मैं ये चाहता हूँ कि जो कोयले खदान के आसपास जो अवैध भट्ठे चल रहे हैं जिनका लीज नहीं है जी, ठीक है, और एक तो लोहा चिमनी चला रहे हैं उन लोग जो सुप्रीम कोर्ट का आदेश का अवहेलना करता है। इसमें पर्यावरण डिपार्टमेंट बोलता है कि हम माइनिंग को सिर्फ सूचित करते हैं, माइनिंग विभाग कार्रवाई नहीं करता है। मैं चाहता हूं कि भैया अगर हमको सरकार जिंदा रखना चाहती है, हमारा भी परिवार है भैया, बिल्कुल भैया, हम 10,000 रुपये टन कोयला खरीदेंगे तो हम ईटा क्या रेट बेचेंगे जी? जी मैं चाहता हूं सरकार से कि भैया इसको बंद किए करिए, नहीं बंद कर सकते हैं तो हमको भी दीजिए। तो ये जो अवैध खनन की आप बात कर रहे हैं वो कितने सालों से चल रहा है और किस तरह से ये व्याप्त है और इसमें पुलिस का क्या रोल है, या जो व्यवसायी हैं जो आसपास आप बताए कि भट्टे खोल रखे हैं उनका किस तरह से आपस में साठगांठ चल रही है? भैया देखिए, बलरामपुर एरिया में महान 2 महान 3 सुखरी में, सुखरी के आसपास जितने भी आप सब जानते हैं और ये सबको पता है वहाँ पर क्या चल रहा है, पुलिस आँख बंद कर लेती है। मैं मानता हूँ माइनिंग का डिपार्टमेंट है कोयला, लेकिन अगर सब लोग सहयोग करेंगे, पुलिस आज चाह लेना भैया तो एक जूता कोई नहीं उठाएगा, मानते हैं इस बात को? नहीं, मैं तो आपके माध्यम से जानना चाहूँगा कि क्या वहाँ पे गड़बड़ी हो रही है और आखिर आप जैसे लोगों को जो नंबर वन कोयला लेते हैं और कई वर्षों से इस व्यवसाय में लगे हुए हैं तो वो क्या तकलीफें हो रही है उसके बारे में आप बताइए। भैया आज हम लोग उस कोयले को खरीदने के लिए असक्षम है, हम लोग नहीं खरीद सकते उतना महंगा कोयला जी, कहाँ से खरीदेंगे? तो इसके मुताबिक, इसके रिलेटेड आप लोग कहाँ कहाँ गए कंप्लेन लेके और क्या क्या आश्वासन मिला आप लोगों को? मैं मुख्यमंत्री जी को ज्ञापन दिया हूँ और बाकी उनके प्रतिलिपि सारे अधिकारियों को दिया हूँ, SP साहब को, सूरजपुर, बलरामपुर और अंबिकापुर, और IG साहब को भी दिया हूँ। अब इंतज़ार कर रहे हैं भैया कि हमारा वो हमारी तरफ ध्यान दें, और जो रेवतपुर हो गया, खुखनिया हो गया, जो महान 2 महान 3 में जितने आसपास जो लोग खासकर उस एरिया में जो जायसवाल बंधु हैं, जो भी उनका भट्ठा है, वो सबको पता है कि वहाँ क्या हो रहा है, ठीक है। तो इस पर बात क्यों नहीं हो रही है? क्योंकि ये समस्या, मान लीजिए आप अभी पर्सनली बोल रहे हैं लेकिन आप एक सचिव भी हैं तो आपके साथ साथ और भी लोग होंगे जिससे जिनको उनको भी प्रॉब्लम हो रही होगी, तो एक नहीं काम करें ना भैया, सब काम करें। कौन देखिए, योग्यता से आदमी सब पैसा कमाता है जी, लेकिन आप उस लाइन में आइए, आप भट्ठे खोलिए, आप फाइनेंस कराइए, आप चिमनी बनाइए, आप कोयला खरीदिए, धंधा करिए, कौन मना कर रहा है? लेकिन आप गलत ढंग से पैसा काम करोगे और जो लोग सही ढंग से काम करें उनको परेशानी नहीं होगी भैया? मैं बस यही चाहता हूँ आपके चैनल के माध्यम से कि इनके ऊपर कार्रवाई हो।
आपके साथ कुछ और लोग भी हैं, उनकी भी हम प्रतिक्रियाएं लेते हैं। हेलो सर, क्या नाम है आपका? ऋतुराज दीक्षित मेरा नाम। तो जैसे विभूति सर से बात हो रही थी तो ये बता रहे हैं अवैध खनन का भी मामला बता रहे हैं, पुलिस की भी शॉर्टकट बता रहे हैं, तो ये किस तरह से बंद होगा, इसके लिए क्या एप्लीकेशन कर रहे हैं? और क्या मान लीजिए मेरे को घर बनाना है, अगर मैं ईंट लेता हूँ एक नंबर का, तो मुझे क्या दिक्कत हो सकती है? आप क्या है, कस्टमर को दिक्कत नहीं आएगी, व्यवसायी को दिक्कत है। किस तरह की दिक्कत है भैया? दिक्कत इस चीज़ क्या है कि जो खदानों के आसपास जितने भी भट्ठे लगा रखे हैं, जो लोहे का चिमनी जला रहे हैं, ठीक है, फिक्स चिमनी वाला तो एक बार पूंजी लगाया है ना, वो एक नंबर का कोयला ले रहा है, उसको एक नंबर का कोयला जग जाहिर है महंगा ही मिलेगा, और खदान के आसपास जितने भी भट्ठे हैं उनको सस्ता कोयला मिलता है, 2 रुपया किलो 3 रुपया किलो मिल जाता है, और सभी के मिली भगत से मिलता है ना, और बहुत खास खास जगह हैं, उस जगह को तो सारे लोग जानते हैं, सारे भट्ठे वाले भी जानते हैं, है ना। अब जिसको 2 रुपये किलो मिल रहा है वो तो सुख सुविधा सब कुछ उसको मिल गया, और उसको मान लीजिए वो 9,000 रुपये अगर बेचता है ईंट को, तो उसको पर्याप्त पैसा बचेगा, और हम यहाँ पे 8,700 रुपये और 8,500 रुपये का जो कोयला लेते हैं एक नंबर का, तो हमको बिल्कुल बचत नहीं आ रहा है इसमें। इस वजह से हम लोग काफ़ी परेशान हैं, इस वजह से हम लोगों ने मुख्यमंत्री को ज्ञापन सौंपा है। आपकी अब विशेष करके बात अगर पूछूं विभूति जी, तो क्या मांगे हैं जिससे कि ये जो प्रॉब्लम है सॉर्ट आउट हो सकता है और आने वाले दिनों में जो व्यवसायी हैं उनको फ़ायदा हो सकता है? भैया पहली चीज़ तो कोयले का प्रोडक्शन SSCL अच्छे ढंग से करें तो कोयले का रेट स्थिर हो जाएगा, और दूसरी चीज़ पुलिस अगर चाह ले, माइनिंग डिपार्टमेंट पुलिस विभाग, तो चोरी छमारी बंद हो जाएगी, बस इतना ही भैया। तो इसके लिए जब आप लोग अर्जी लेके गए तो किस तरह का आश्वासन दे रहे हैं, क्या वो मान रहे हैं कि उनके डिपार्टमेंट से भी कभी गलती हो रही है या माइनिंग का प्रॉब्लम है, पुलिस का प्रॉब्लम है? भैया इसमें मैं कुछ नहीं बोल पाऊंगा, उसमें बाकी हमारा काम तो आवेदन करना है। ओके। यहाँ पे एक और भाई हैं, इनसे भी मैं बात करता हूँ लास्ट में। सर, इस तरह का जो कंप्लेन है उससे क्या लगता है कि आपकी कितनी जल्दी सुनवाई हो सकती है? सर, इसके बारे में हम कैसे बता सकते हैं सर कि कब तक सुनवाई हो सकती है? नहीं, तो उन्होंने क्या आश्वासन में कुछ कहा है कि हम इस पर कार्य करेंगे, कठोर कार्य करेंगे या नहीं करेंगे? जब ज्ञापन दिया गया था हम सोचते कि 2-4-5 दिन देख लें कुछ कार्य होता है नहीं होता, उसके बाद आगे बढ़ेंगे, फिर देखा जाए क्या होता है। जी। तो विभूति जी, लास्ट क्वेश्चन मेरा ये रहेगा कि मान लीजिए अगर इस तरह का प्रॉब्लम शॉर्ट आउट होता है तो किस तरह से फ़ायदा होगा व्यापारियों को? भैया रेट स्थिर होगा, रेट बहुत ज़्यादा महंगा नहीं होगा, ईट सस्ती रहेगी, ग्राहक को भी फायदा होगा, चोरी छमारी नहीं होगी, और कोयला राष्ट्र की संपत्ति है भैया, कोयला चोरी करने वाला और चोरी करवाने वाला दोनों राष्ट्र दो ही हैं। तो आप फ्यूचर में क्या प्लान है, मान लीजिए आप आपकी मांग पूरी नहीं होती है, कार्रवाई नहीं होती, तो आप किस तरह से इसको प्रोटेस्ट करेंगे, कहाँ कहाँ तक आप जाएंगे इस कंप्लेंट को? हम तो अपनी बात रखेंगे, हमारा अधिकार है बात रखना, अगर अगले की इतनी समझ होगी तो सुनेगा वो। अगर मान लीजिए नहीं सुनते हैं तो फिर आप किस तरह से उसको आगे लेके जाएंगे? हम इस बात को आगे लेके जाएंगे, फिर मुख्यमंत्री तक लेके जाएंगे, क्या करेंगे। ठीक है भैया, धन्यवाद। थैंक यू, आप हमसे बात किए, थैंक यू भैया। तो इस तरह से आज हम यहाँ पे आए और जो ईंट व्यापारी संघ के जो सचिव हैं उनसे विभूति जी से बात किए, और जैसा कि मैं बताया आपको कि सरगुजा का जो कोयला है वो हमेशा से अपनी गुणवत्ता के लिए फेमस है इंडिया में, और इनकी मांग है कि अगर जो कंप्लेन दर्ज किए हैं अगर वो जितनी जल्दी से अगर उस पर कार्रवाई होती है तो आने वाले समय में जो भी एक नंबर का कोयला है उसका रेट कम होगा और इनको मिलेगा, तो आने वाले दिनों में जो भी व्यापारी लोग हैं, जो व्यवसायी लोग हैं, उनको फ़ायदा मिलेगा। तो इस तरह की खबरों के लिए आप हमसे जुड़े रहिए। कैमरा मैन AP के साथ मैं दीपक पांडे, आप देख रहे हैं फटाफट न्यूज़। थैंक यू वेरी मच।